प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत के जाटल रोड फ्लाईओवर के नजदीक अदानी ग्रुप की अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। दरअसल गैस का रसाव होने की वजह से पाइपलाइन में आग लग गई। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को भी मामले की सूचना दी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जाटल रोड से लेकर जीटी रोड तक बैरिकेडर्स लगा दी। मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। मौके पर आगे थे तुरंत, हमने जाटल रोड से और देसवाल चौक से अपना रूट को डाइवर्ट करवा दिया था। सारे व्हीकल उधर से डाइवर्ट करवा के जो दुकानें हैं वहाँ से खाली करा के पब्लिक को सेफ उसमें पहुँचा दिया था। और जो FSO इनके फायर सेफ्टी ऑफिसर यादविंदर शर्मा अपनी टीम के साथ आके उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और कोई जान माल का कोई इसमें नुकसान नहीं होया है। अभी आग लगभग बुझ चुकी है, टीम मौके पर है। सर लगभग कितनी देर तक रास्ता खुल जाएगी? ये जैसे ही फायर सेफ्टी ऑफिसर हमारे को बता देंगे, बिल्कुल क्लीन चिट मिलते ही हम रास्ता खोल के और रूट जो है प्रॉपर चलवा देंगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दो दिन पहले भी कंपनी के लोग रिसाव बंद करने के लिए आए थे, लेकिन वे फॉल्ट को ठीक नहीं कर पाए। दो दिन से PNG गैस रिस रही थी। उन्होंने बताया कि सामने ही शराब का ठेका है, जहां से कुछ युवक शराब पीकर निकले। जंक्शन पॉइंट के नजदीक आकर उन्होंने बीड़ी जलाने की कोशिश की तो जमीन से निकल रही PNG गैस ने आग पकड़ ली। कि सामने से तीन बंदे ड्रिंक करके यहाँ पे आगे बैठ गए और उन्होंने बीड़ी जलाने की कोशिश करी। जैसे ही उन्होंने बीड़ी जलाने की कोशिश करी, वहाँ पे लीकेज थी गैस की। गैस की लीकेज ठीक करने के लिए परसों भी इनके अधिकारी आए थे, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुई। फिर भी वो ऐसे ही छोड़ गए काम को अधूरा। फिर उसने जैसे ही बीड़ी जलाई, उसने आग लग गई और उसके बालों में भी आग लगी, वो भाग गया। बालों में आग लगी, बच गया वो। लेकिन जब से आग भड़की, फिर हमने अपने शटर बंद कर दिए और हमने आपके सामने कार्रवाई, 1.5 घंटा हो गया फायर ब्रिगेड को काबू करते हुए। आग लगी तो कैसा माहौल था? क्या माहौल, दहशत का माहौल था। मेरा साथ वाला ही घर है जी, देखो बीवी बच्चे वाले हम भी, कोई अनहोनी हो जाती तो कहाँ जाते। एक मिनट में फायर होती है गैस के लिए, तो गैस तो सबसे ज़्यादा फायर पकड़ने वाला काम गैस का ही है। फिर घर पर आग लगे पीछे काबू तो होता नहीं, तो ये काम बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछ रही है, तो उस गैस का ट्रायल कर रहे थे वो, जिसकी वजह से वाल्व में लीकेज पाई गई और वाल्व में लीकेज पाई जाने से गैस लीक हुई और गैस लीक होने की वजह से कोई माइनर स्पार्क मिला उसे, जिससे गैस इग्नाइट हो गई। तो इसकी सूचना हमें DC ऑफिस के माध्यम से मिली 11:15 के आसपास। हमने इमीडिएटली अपनी दो गाड़ियाँ साइट के लिए रवाना कर दी के ताकि हम जल्दी से जल्दी गैस को अरेस्ट कर सकें। इन द मीन टाइम IOCL की टीम भी यहाँ पर आ गई है और जो अडानी ग्रुप जो इस पाइपलाइन को बिछा रहे हैं, उस टीम को मैंने बुलाया और इस लाइन को हमने आइसोलेट किया। पीछे एक वाल्व है और इस लाइन के आगे एक वाल्व है, जहाँ से वाल्व थे उन दोनों वाल्व को क्लोज किया ताकि जितनी गैस इस पाइपलाइन के अंदर है वो सारे की सारी इमिडिएटली जल जाए। अगर हम इसको आग को बुझा देते तो जो गैस है हमारे आसपास के एरिया में आ सकती, कोई बड़ा हादसा ऐसे हो सकता था, परंतु हमने उसको कूलिंग इफेक्ट दिया और उस आग को जलने दिया ताकि जितनी मेरी जो गैस है पाइपलाइन के अंदर है वह सारे के सारे जल जाए और जो हमारे आसपास का एरिया है पूरा एरिया सेफ रहे इसके अंदर। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।